अयोध्या मामले को लेकर अब आपको बता दें कि कोर्ट में फैसला पढ़ना शुरू हो गया है। चंद मिनटों में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इस बीच आपको बता दें कि मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बेहद करीब से इस पूरे विवाद को उन्होंने देखा है। इकबाल जी, आप शुरुआत से ही इस पूरे मामले के साथ जुड़े हुए हैं, बेहद करीब से आपने इस पूरे मामले को देखा है और आज इस दशकों पुराने विवाद पर फैसला आने वाला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, फैसला जो है जो कुछ क्योंकि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया है, कोर्ट का फैसला ये चाहते हैं कि फैसला जो कुछ भी होगा उसको हम मानेंगे। अपनी कौम को भी ये संदेश देता हूँ, जो भी फैसला आए उसका आप सम्मान कीजिए। कोई ऐसी कोई बात ना करे, कोई ऐसा कोई काम ना करे कि जिससे हमारे देश में लोगों आपस में जो कल बात करते थे वही बात जो है परसों भी होना चाहिए, आज भी होना चाहिए। जी इकबाल जी, अगर देखा जाए तो आज के दौर में जो हिंदुस्तान के आवाम है वो इस पूरे मामले को लेकर पहले से ज़्यादा जागरूक भी है, संवेदनशील भी है, मैच्योर भी है। तो ऐसे में लगातार ये भी अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखिए, लेकिन गंगा जमुनी तहजीब के लिए हिंदुस्तान को जाना जाता है और वही संदेश आज एक बार पूरी दुनिया के सामने फिर जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाएगा और देश के आवाम खुले हाथों से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करेगी। देखिए, जो दुनिया का निजाम चला रहा है, जो दुनिया का निजाम चला रहा है वो जो है इधर देख रहे हैं कि सारे लोग अच्छी ही बात कर रहे हैं, अच्छा ही संदेश दे रहे हैं, तो हमारे देश का फल अच्छा ही रहेगा। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, पूरे देश का जो बीजेपी, चाहे वो नेता हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो तो सब लोग ही अच्छा ही संदेश दे रहे हैं, तो जो है एक अच्छा ही पैकेज जाएगा। वो पूरे देश में अब शांति का माहौल हमेशा रहा रहेगा। जी बिल्कुल, एक इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से हिंदुस्तान की आवाम एक बार फिर साथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी, बेहद करीब से इन्होंने इस पूरे मामले को देखा है, समझा है। लगातार यहाँ पर तमाम धार्मिक संगठनों द्वारा ये अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करना यहाँ हम सब की जिम्मेदारी बनती है।